दोस्तों यहाँ पे आ गया है 80,000 रुपया का पीसी बिल्ड। भाई आप लोग इतना ज्यादा कमेंट कर रहे थे हमारे वीडियोस पे कि भाई तू किस पीसी से एडिट करता है, तू किस ऐप से वीडियोस को एडिट करता है। तो आज के इसी वीडियो में हम लोग आपके सामने पूरा अपना जो पर्सनली एक कंप्यूटर था जो हम लोग ने एक महीने पहले बिल्ड किया था वो आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, और आप लोग को ये बताने वाले हैं कि 80,000 रुपए के रेंज में क्या आप लोग गेमिंग कर सकते हैं, क्या आप लोग 4K एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे 80,000 रुपए के रेंज में ही यहाँ पे वीडियोस को एडिट करते हैं, गेमिंग भी करते हैं और अच्छा खासा वीडियोस एडिट होता है। 4K का 60fps, 4K का 30fps वीडियोस यहाँ पे हम लोग एडिट करते हैं। पर्सनली वीडियोस को एडिट करने के साथ साथ कुछ गेमिंग भी करते हैं और एक एक्सटर्नली टास्क भी करते हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे पीसी बिल्ड देखने वाले हैं और पीसी में कौन कौन सा कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्राइसिंग आप लोग के साथ शेयर करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी में पूरा का पूरा प्राइसिंग लिखा हुआ है, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक का प्राइसिंग लिखा हुआ है। मात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन में 5,000 से 6,000 का डिफरेंस है। तो आज के इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो वैसे भाई लोग जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करोगे तब तो इसी तरीके के मजेदार वीडियोस और हम लोग डालेंगे तो आप लोग के पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब बटन को हिट करो और फटाफट सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करना नहीं भूलना। और हाँ, देख सकते हैं कितना प्यारा पीसी है, कितना अच्छे तरीके से डिजाइन है, काफी अच्छा कैबिनेट है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या आरजीबी कलर में, वाओ एक तरीके से बोल सकते हैं। लुक देखो भाई, सबसे पहले तो लुक काफी मैटर करता है, एक पीसी के लिए काफी अच्छा लुक आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। अब फटाफट जो भी इसके अंदर कंपोनेंट लगा है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो कैबिनेट है ये आप लोग को है एंटी स्पॉट्स का कैबिनेट, ICE 311 MT वाला कैबिनेट है। अगर आप इसको ऑफलाइन ट्राई करते हैं तो ये आप लोग को 3700 रुपए में मिल जाता है ये कैबिनेट। अगर आप लोग ऑनलाइन इस कैबिनेट को देखते हैं तो 4500 रुपए के आसपास आप लोग को मिलेगा। तो ऑफलाइन यहाँ पे जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है आप लोग को ऑफलाइन मार्केट में ये सारा चीज, क्योंकि हम लोगों ने आपको डिफरेंसेस बताना था। तो हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का प्राइसिंग आप लोग को लिख के दिखाया है। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग करते हैं पावर सप्लाई की। इसके अंदर हम लोगों ने लगाया है पावर सप्लाई कोर्सियर का, इसके अंदर है CX 550 वाट का यहाँ पे लगा हुआ है। और इसकी अगर हम लोग ऑफलाइन की बात करें प्राइसिंग की तो ये 4500 रुपीज का ऑफलाइन है, और प्लस में ऑनलाइन की बात करें तो पूरा का पूरा 4800 रुपीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन में 300 रुपीज ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की तो इसके अंदर इंटेल का 12th generation F प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर आप लोग को अगर ग्राफिक्स कार्ड यूज करना है तो आप लोग F प्रोसेसर को ही चॉइस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाते हैं तो F प्रोसेसर आप लोग के लिए नहीं है। अगर आप लोग ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो F प्रोसेसर में ही जाइएगा, क्योंकि F प्रोसेसर में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग को ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता है, बिना ग्राफिक्स कार्ड का डिस्प्ले नहीं आता है। तो अगर हम लोग F प्रोसेसर की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोग आज के डेट पे इसमें आप लोग को ऑनलाइन में मिल जाएगा 10,490 रुपया में, और ऑफलाइन में आप अगर इसको ट्राई करते हैं तो 9,000 से 9,500 तक आप लोग को ये प्रोसेसर मिल जाएगा। जब हम लोगों ने इसको खरीदा था ये प्रोसेसर को तो ये 14,000 रुपीज का था, अभी तो ये हाल फिलहाल 6,000 रुपए डाउन भी हो गया है। साथ ही में अगर हम लोग रैम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग XPG का हम लोग ने रैम लगाया है, ऑफलाइन मार्केट में 2100 रुपए मिल रहा था, ऑनलाइन में ये 2300 रुपए का है। बट XPG का 3200 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे रैम है और काफी अच्छा एक रैम है, 8-8 GB के दो स्लॉट मिलता है, दोनों स्लॉट हम लोग ने यहाँ पे इस मदरबोर्ड में लगाया। और मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को मदरबोर्ड MSI Pro H 610M वाला मदरबोर्ड है, वो भी यहाँ पे वाईफाई के साथ और ब्लूटूथ के साथ वाला मदरबोर्ड है ये। साथ ही में अगर आप लोग देखेंगे इस मदरबोर्ड का प्राइसिंग की बात करें तो ऑनलाइन में जाएंगे तो 9,000 रुपया का पड़ेगा, और ऑफलाइन में जाएंगे तो 8,500 रुपये का पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये वाईफाई से इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आप लोग को 2 स्टिक वाईफाई के बैक साइड में आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। बहुत से मदरबोर्ड आते हैं जो वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आते, बट ये वाला मदरबोर्ड आप लोग को वाईफाई के साथ आता है। साथ ही में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। यहां पे अगर देखेंगे क्योंकि हां, एक चीज यहां पे चैलेंज भरी बात है, क्योंकि इसके अगर इस कैबिनेट को अगर आप लोग चूज करते हैं तो यहां पे आप लोग इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सामने की साइड लगाना पड़ता है क्योंकि ऊपर की साइड नहीं लगता है। हम लोगों ने पहले नॉर्मल एक कूलिंग सिस्टम लगाया था, बट उसके बाद थोड़ा सा हीट किया जिस कारण से हम लोग को कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ा, तो कैबिनेट हम लोग चेंज नहीं कर पाए थे। बट इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है MSI का MZ
कूलर लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है C240 वाला EVA सिस्टम। साथ ही में इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ ऑनलाइन आप लोग देखेंगे तो 8,750 रुपए का इसका प्राइसिंग है ये कूलिंग सिस्टम का, और अगर ऑफलाइन जाएंगे तो 8,500 रुपए का प्राइसिंग में आप लोग को ये मिल जाएगा। पर्सनली अगर हम लोग बात करें इसके अंदर SSD कौन सा लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे NVMe SSD लगा हुआ है 512 GB के साथ, जो आप लोग को लमसम 4,000 रुपए के करीब में अभी पड़ता है। WD का है तो हम WD पे ही ज़्यादातर ट्रस्ट किए, और WD का लो प्राइस में भी अच्छा खासा SSD है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में कॉन्स्टेंट का हम लोगों ने 1 TB का SSD कार्ड लगाया, वो भी नीचे में, तो ये हम लोग को पड़ गया था 4,500 रुपए का। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं ऑफलाइन में जाके। तो ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर का सबसे महंगा और सबसे कॉस्टली चीज़ होता है, तो हम लोगों ने इसको बाहर से मंगाया था क्योंकि ऑनलाइन में 27,000 रुपीज़ का ये आ रहा था। GTX का 1660 सुपर है ये, 6 GB वाला है, तो हम लोगों ने इसको बाहर से मंगाया है और ये हम लोग को पड़ा है 22,500 के करीब का हमको पड़ा था आज से 1 महीने पहले। और ये एक ग्राफिक्स कार्ड एकदम टॉप लेवल का ग्राफिक्स कार्ड है, अगर आप लोग यूज करते हैं तो ये ग्राफिक्स कार्ड एकदम टॉप लेवल का है। ग्राफिक्स कार्ड में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और जितने भी पार्ट्स है सब पे वारंटी आप लोग को एक्सटर्नली मिलता है 3-3 साल का, तो आप लोग को यहाँ पे नो डाउट्स की कोई दिक्कत है, आप लोग 3 साल तक बढ़िया तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। बाकी RGB लाइट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कितना गजब का RGB लाइट है, इसमें भी आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो है ये कूलिंग सिस्टम का RGB लाइट है, और ये भी काफी अच्छा RGB लाइट है। साथ ही में हम लोग अब बता दें कि हम लोग कीबोर्ड माउस कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये है ट्रांसफॉर्मर जेब्रोनिक्स का, जो आप लोग को एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो ये आप लोग को 1100 के आसपास मिल जाता है, 1100 रुपए में एक बेस्ट यहाँ पे कीबोर्ड माउस आप लोग बोल सकते हैं। और ये PC के साथ हम लोगों ने इस मॉनिटर का वीडियो आप लोगों को पूरा चैनल पे दिया हुआ है, तो आप लोग को आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये मॉनिटर है MSI का प्रो MP273 सीरीज वाला मॉनिटर है। हम लोगों ने ये क्यों लिया, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज का मॉनिटर था, प्लस में इसके अंदर स्पीकर्स भी इनबिल्ट था। यहाँ पे आप लोग को जो व्यू है वो अच्छा खासा मिल रहा था, 75 Hz का रिफ्रेश रेट था, आई प्रोटेक्शन मोड था, और MSI का था तो ट्रस्ट ज़्यादा था, इसीलिए हम लोगों ने इस मॉनिटर को चॉइस किया, और इसको लेने का पीछे का रीज़न भी यही बना मेरे लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग अभी आप लोगों को कुछ वीडियोस रेंडर करके दिखाते हैं। फिल्मोरा 13 को यूज़ करते हैं, और इसका लाइसेंस वर्जन हम लोगों ने खरीद के रखा है, जो अभी एक्सपेरिमेंटली अभी 1 महीने पहले हम लोगों ने लिया है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे फाइल है, सब 10-10 मिनट, 6-6 मिनट, 7-7 मिनट का यहाँ पे फाइल है। तो अभी हम लोग कुछ फाइल अभी यहाँ पे डालते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो ये पहले FPS पता कर लेता है कि FPS कितना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सारे फाइल्स को यहाँ पे अभी अपलोड कर दिए हैं। कुछ फाइल्स को हम लोग कट करते हैं, कुछ यहाँ से कट कर लिए, कुछ यहाँ से कट कर लिए, और थोड़ा सा यहाँ से कट करने के बाद कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स लगा दिए, कुछ वीडियो सैंपल्स किसी के ऊपर लगा दिए, कुछ कटिंग करके कुछ उसके ऊपर लगा दिए, और सब फुटेज 4K में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अब एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं 5 GB समथिंग आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 0% से अभी स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे 6 मिनट का समय दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं 100% 6 मिनट में 16 मिनट का वीडियोस को ये एक्सपोर्ट कर दिया है। तो चलिए गेमिंग टेस्ट आप लोग को करके दिखाते हैं। दोस्तों हमारे पास ये आप लोग जो गेम देख रहे हैं ये वैलोरेंट गेम है, और काफी ज्यादा ऊपर लेवल का गेम है, काफी ग्राफिक्स लेता है, प्लस में काफी स्टोरेज भी लेता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे गेमिंग काफी अच्छा स्मूथनेस के साथ हो जाता है, और ये जो डिस्प्ले है चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये डिस्प्ले 144 Hz का है, और वो वाला 75 Hz का था, तो हम लोग 144 Hz पे ही ज़्यादा गेमिंग करते हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेमिंग हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल के देता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गेमिंग हो जाता है, ऐसा नहीं कि गेमिंग में आप लोग को दिक्कत है, और एक परफॉर्मेंस लाइक गेमिंग मिल जाता है। अगर आप लोग GTA 5 भी खेलते हैं
या वालोडेंट खेलते हैं या आप लोग नॉर्मल कार रेसिंग भी खेलते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ काफ़ी अच्छा एक वैल्यू प्रोवाइड करके आपको गेमिंग होता है। दोस्तों यहाँ पे ये पीसी लगभग लगभग 75,000 रुपए में ये बन जाता है, 10,000 रुपए इसका लगता है, लेकिन आप लोग मान सकते हैं कि 80,000 रुपए में ये पूरा का पूरा पार्ट्स आपको मिल जाएगा अगर आप लोग ऑफलाइन ट्राई करेंगे तो। क्योंकि अगर हम लोग ऑनलाइन ट्राई किया गया है तो ऑनलाइन में इसका 90,000 रुपए पड़ रहा है और ऑफलाइन में आप लोग को 80,000 रुपए में पूरा टनाटन आप लोग को यहाँ पे पीसी मिल जाता है। आप लोग को पूरा लिख कर हम लोग यहाँ पे बताए हैं कि इसमें कौन सा कंपोनेंट लगाए हैं, आप लोग उसी कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा गेमिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनली आप लोग को बता दे तो ये आप लोग अगर क्रिएटर है या आप लोग गेमर है तो आपके लिए ये पीसी टॉप क्लास का बनेगा अभी के लिए, क्योंकि i5 12 जनरेशन एक बेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर होता है, एक बीच का जनरेशन का प्रोसेसर होता है, ना ज़्यादा लो होता है ना ज़्यादा फास्ट होता है, एक कंसिस्टेंस बोलते हैं ना कि बीच का प्रोसेसर है, वही बीच का प्रोसेसर आप लोग को मिलता है। ग्राफिक्स कार्ड में ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, आप लोग अगर कोशिश कीजिए ग्राफिक्स कार्ड अगर आप लोग को सेकेंड हैंड मिल जाए तो आप लोग के लिए बहुत ही वैल्यूबल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोग को इसमें रिव्यू चाहिए होगा, कुछ थ्रोटल टेस्ट चाहिए होगा या और भी एक्सटर्नली स्ट्रीम गेमिंग चाहिए होगा तो बताइएगा, हम लोग जरूर से जरूर करेंगे इस पीसी के साथ। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। तो आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो मिलते हैं, बाय बाय।